हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड इवनिंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। शाम का टाइम है, शाम क्या रात ही हो गई है, और ये व्लॉग उसी के आगे मैंने कंटिन्यू किया है जो आपने लास्ट व्लॉग देखा था। हम लोग लोनावला आए हुए हैं, द लगून में रुके हैं, स्टे किया है, और ये चलो हम चलेंगे अपने रूम पे। लोगों ने फोटो खिंचाई, हम लोगों ने भी क्लीनिंग। चलो आओ। चेंज वेंज कर लीजिए आराम से, फिर बैठते हैं। गाइस, तो हम लोग रूम पे आ गए हैं, कहीं पे गाने बज रहे हैं, कॉपीराइट आएगा, सो अभी इसको बंद करती हूँ। ओके गाइस, तो यहाँ वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूँ, अमेज़न से मैंने अभी कुछ शॉपिंग करी है, जो कि ये है। ये मैंने कुछ सूट और कुछ सामान मंगाया है। तो अभी अमेज़न पे चल रही है मेगा फैशन डेज सेल, जो कि 26 जनवरी से 31 जनवरी तक है। तो आप लोग जल्दी जल्दी जाइए और सेल का फायदा उठाइए, तो मिस आउट मत करिएगा इस सेल के फायदे को। आपको काफ़ी अच्छा सामान मिल जाएगा, वो भी रीजनेबल प्राइस में। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपने इस हॉल वीडियो को। मैंने क्या क्या मंगाया है वो मैं आपको दिखा देती हूँ एक एक करके। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक हैट मंगाई है, जैसे अभी आप कहीं घूमने वगैरह जा रहे हैं, कुछ भी है, तो इस तरह की आप एक हैट मंगा सकते हैं। इसमें दो कलर, तीन कलर का भी मिलता है। तो मैंने यहाँ पे बेज कलर की कैप मंगाई है, हैट, इसको बास्केट हैट कहते हैं। ये काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल लगती है, इनकेस आप कहीं घूमने जाते हैं तो आप इसको कैरी कर सकते हैं, और कैरी करने में भी ईजी है, आराम से फोल्ड करके रख सकते हैं। तो मेरा फर्स्ट प्रोडक्ट ये हो गया। नेक्स्ट मैंने मंगाया है ये ममर्थ की लिपस्टिक, जो कि मैंने इस समय वेयर कर रखी है। इसका नंबर है 02 प्लम। इसके पहले भी मैंने एक मंगाया था, वो मजेंटा कलर में थी आई थिंक। सो पैकेजिंग काफ़ी अच्छी होती है, ये एवोकाडो इसमें होता है, और बहुत ही अच्छे से आपके लिप्स पे ग्लाइड हो जाती है, काफ़ी देर तक स्टे करती है। सो ये हो गया, ब्राउन काइंड ऑफ कलर है इसका। तो मेरा नेक्स्ट प्रोडक्ट ये हो गया। ओके, तो नेक्स्ट मेरा जो प्रोडक्ट है, अभी आपने देखा था मैं लोनावला गई थी, तो मैंने एक नेक चेन पहना था, नेक पीस पहना था, वो बहुत ही ब्यूटीफुल सा ये था, बटरफ्लाई का पेंडेंट था, एंड इसकी पतली सी चेन थी, तो ये काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा था। कई लोगों ने पूछा था मुझे कॉमेंट करके। सो ये इस तरह की पैकेजिंग में भी आता है एंड काफ़ी ब्यूटीफुल लगता है। मेरा नेक्स्ट प्रोडक्ट ये हो गया। इसके बाद एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा नेक पीस मैंने और मंगाया है, जो कि जेन मी करके ब्रांड से है, और दिखाती हूँ मैं आपको, नग स्टोन वाला है, जैसे एडी का नहीं होता है, डायमंड लुक वाला। इसके इयररिंग्स बहुत ब्यूटीफुल से हैं, ये देखिए, केवल स्टोन से हैं, और आप इसको साड़ी वगैरह में वेयर कर सकते हैं, ये देखिए इस तरह से, तो बहुत ब्यूटीफुल लगेगा, एकदम डायमंड लुक आपको देगा, ये देखिए। सो ये बहुत ब्यूटीफुल पीस है, अगर आप लेना चाहते हैं ना तो आप इसे ले सकते हैं। इसका ज़्यादा प्राइस भी नहीं था, 500 के अंदर ही था, एंड इस तरह से पैकेजिंग में ये मुझे रिसीव हुआ था, ये देखिए। तो मेरा नेक्स्ट प्रोडक्ट ये हो गया। इसके बाद मैंने एक मंगाया है सनग्लास, जो कि आजकल वाइट कलर बहुत ज़्यादा ट्रेंड में चल रहा है, सो वाइट कलर में मंगाया है। पहले मैं सोच रही थी थोड़ा शेप दूसरा मंगाती हूँ, बट फिर मुझे मेरे फेस पे ये सही लग रहा था, सो मैंने ये मंगाया वाइट कलर का भी। जो भी नेक्स्ट आउटिंग होगी उसमें मैं ये पहनूंगी, तो आप लोग को ज़्यादा समझ में आएगा, वाइट, पिंक, बोल्ड कलर आजकल बहुत चल रहे हैं। सो एंड ये इस तरह की पैकेजिंग में आता है। तो मेरा नेक्स्ट प्रोडक्ट ये हो गया। इसके बाद मैंने एक यहाँ पे कॉटन का बहुत ही ब्यूटीफुल सा सूट मंगाया है, जो कि प्योर कॉटन का, इगतपुरी तो नहीं बोलेंगे इसको, जयपुरी बोल सकते हैं। यहाँ पे ये रेड कलर का इसका ये प्लाजो पैंट है, एंड साइड में आप देख सकते हैं ये कैसा लग रहा है। इसके कुर्ते पे यहाँ पे इस तरह से पूरी जयपुरी बंधेज वाली कढ़ाई है, धागे की कढ़ाई भी है, एंड बहुत ब्यूटीफुल लगता है। इसमें दो तीन कलर और थे, आप वहाँ पे इसको देख सकते हैं, चेकआउट कर सकते हैं।
नेक्स्ट सूट की बात करूं मैं तो ये एक सिल्क का सूट है, बट ये थोड़ा सा टाइट है, सो इसको मुझे रिटर्न करना पड़ेगा। एंड इसमें ना अस्तर भी नहीं है। 750 का आई थिंक ये सूट था, बट इस सूट के अंदर बिल्कुल अस्तर वगैरह नहीं है। साइड में आप देख लीजिए, पहन करके ये काफी अच्छा लग रहा है, लेकिन अस्तर ना होने की वजह से ये खराब हो सकता है। इसका दुपट्टा भी काफी अच्छा है, अगर आपको अस्तर से प्रॉब्लम नहीं है तो आप इस सूट को ले सकते हैं। रीजनेबल है, एक दो बार पहनने के लिए ठीक है, बट मैं इसको रिटर्न कर दूंगी। सो नेक्स्ट ये हो गया। मैंने यहाँ पे एक रेडीमेड पिंक कलर का ब्लाउज मंगवाया है। एक्चुअली मेरे पास एक पिंक साड़ी है जिसके लिए मुझे पिंक ब्लाउज चाहिए था, सो मैं अभी इसको मिक्स एंड मैच करके देखूंगी कि ये कैसा लग रहा है। इसकी क्वालिटी तो अच्छी लग रही है, अस्तर वगैरह भी इसमें दिया हुआ है, एंड ये पीछे से यहाँ पे आपको हुक मिल जाते हैं। सो देखने से तो ओवरऑल अच्छा लग रहा है, शाइनी भी है, थोड़े से स्टार्स वगैरह भी दिख रहे हैं, मेरी साड़ी में भी स्टार्स हैं। सो मैं देखती हूँ कि ये मैं रखती हूँ या नहीं रखती हूँ, क्योंकि अगर मेरी साड़ी से मैच करेगा तो ही मैं इसको रखूंगी, अदरवाइज ये मेरे लिए यूजलेस हो जाएगा। सो ये मेरा नेक्स्ट परचेज हो गया। इन सारे प्रोडक्ट की मैं लिंक दे दूंगी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, एंड आपको अगर कुछ भी प्रोडक्ट अच्छा लगता है तो आप उसमें से चेकआउट कर लीजिएगा। माई हॉल स्टोर की भी लिंक रहेगी, जहां पे आप क्लिक करेंगे मेरे सारे फेवरेट प्रोडक्ट आपको वहां पे दिख जाएंगे, और सेल का फायदा जरूर उठाइएगा। इसमें से कुछ भी अच्छा लग रहा है तो परचेज करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो बस अभी हम लोग जा रहे हैं ब्रेकफास्ट करने के लिए, सुबह का टाइम है और बुफे है। चलिए चलते हैं, दिखाती हूँ मैं आपको क्या क्या ऑप्शन में है खाने को, और इन्जॉय करते हैं अपने ब्रेकफास्ट को। क्या क्या है मेन्यू में, ये है ब्रेड बटर, ये है केक, ये है मफिन, इधर है इडली, सांभर, वड़ा, पोहा, साबुदाना खिचड़ी, ये क्या है बॉयल कॉर्न पोटैटो, भटूरा, चाय एंड कॉफी। ये गए हैं डोसा लेने, फ्रेश गरम रेड टी शर्ट में। सो हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग। आँखों में वो आ गया, रोशनी लग गई एकदम से, पानी का रिफ्लेक्शन आ रहा है। एंड हम लोग तैयार हो गए हैं, चेंज कर लिया है, और एक मिनट, एक कॉल आ रहा है। तो हाँ, एक कॉल आ गया था, और अभी हम लोग नहा लिए हैं, चेंज कर लिए हैं, ब्रेकफास्ट हमने पहले ही कर लिया था, सारा सामान पैक हो गया है। आज हमारा चेकआउट डे है, सो वन नाइट स्टे था, अच्छा था ओवरऑल देखा जाए। आज यहाँ पे किसी की शादी है, अच्छा हुआ हम लोगों ने कल का रखा प्लान। ये देखिए, यहाँ पूरी प्रिपरेशन चल रही है, ये देखिए गाइज, मेरे को लगता है यहाँ पे मंडप वगैरह लगेंगे इधर स्विमिंग पूल एरिया के पास में ही, काफी सुंदर व्यू होने वाला है। तो अच्छा हुआ हम लोगों ने आज का ही कर लिया ना, वरना कल तो मुश्किल ही था, मतलब आज मुश्किल था। सामान ठीक है, रूम वेकेंट है क्या? थैंक यू, हैव अ नाइस डे सर। थैंक यू। तो बस अब हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं, हमारा चेकआउट होगा और फिर हम अपने घर के लिए निकलेंगे। और काफ़ी अच्छा लगा स्टे करके मम्मी पापा के साथ, एंजॉय करके। बस ये देखिए, यहाँ पे कुछ तो चल रहा था, पता नहीं क्या, आज जिसकी शादी है वो भी पूरी तैयारी के साथ वो लोग आ गए थे, यहाँ पे वेलकम वगैरह हो रहा था। और ये देखिए, फाउंटेन भी यहाँ पर चल रहा है। चलिए निकलते हैं, और कैसा लगा व्लॉग आपको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एंड जो सेल चल रही है अमेज़ॉन पे, उसका फ़ायदा ज़रूर उठाइएगा, काफ़ी अच्छे प्राइस में आप जो भी चाहते हैं वो आपको मिल जाएगा। शादी की गाड़ी आ गई भाई।
मुंबई में तो हम लोग एंटर कर चुके थे और ये देखिए ये मुंबई का BKC एरिया है जो कि काफ़ी अच्छा माना जाता है, तो मुझे लगा चलो मैं रिकॉर्ड करके आप लोगों को भी दिखा देती हूँ। काफ़ी क्लीन है और मतलब अच्छा सा लगता है, तो यही है। एंड उसके बाद फिर हम लोग घर आ गए थे और मैंने आके कुछ रिकॉर्ड नहीं किया था। ये कवर मैं आपको दिखा रही थी, वर्मा जी गए थे इरला मार्केट तो मेरे लिए आईफोन का ये कवर लेकर के आए थे, साथ में ये देखिए मेरे सैमसंग फ़ोन का भी कवर लेके आए थे। काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल था बट बहुत महंगा भी था। एनीवेज़ तो वही मैं यहाँ पे रिकॉर्ड कर रही थी। और फिर ये नेक्स्ट डे की क्लिप है, मम्मी यहाँ पे भगवान जी को साफ़ कर रही थी, बोली कि चलो भगवान को अच्छे से क्लीन करके उनको कपड़े वगैरह पहना देते हैं, जो वो लेकर के आई थी ना लड्डू गोपाल जी के कपड़े, वही सब आज करने की है। तो नींबू और पीताम्बरी ले लिया है और उसी से रगड़ करके अच्छे से क्लीन कर लेंगे। ये देखिए लड्डू गोपाल जी हैं, उनको भी स्नान कराया जाएगा और फिर उनको कपड़े पहनाएंगे। बहुत ही सुंदर लग रहे थे जब मम्मी ने कपड़े पहनाया ना, तभी देखिएगा पूरा सेट है, मुकुट है और ये उनकी ड्रेस है। तो लीजिए हमारे लड्डू गोपाल यहाँ पे नहा के तैयार हो गए हैं सुंदर से प्यारे से मुकुट के साथ। फिर मैंने साईं बाबा की ड्रेस भी चेंज करी, उनका भी ऑरेंज कलर का मैचिंग का ड्रेस उनको भी पहनाया। और ये देखिए यहाँ पे सभी भगवान नहा के तैयार हो गए हैं, कितने सुंदर लग रहे हैं ना। उसके बाद अब ये शाम की सीधे मैंने रिकॉर्डिंग स्टार्ट करी थी और आज डिनर में बनने वाला है यहाँ पे डोसा, तो मसाला डोसा बनेगा। थोड़ा सा प्यास लगी तो आ गई पानी पीने के लिए। मसाला डोसा बनने वाला है तो आलू फ्राई करूँगी, सांभर बनाऊँगी। और ये देखिए ये मैंने आलू फ्राई करने के लिए डाल दिए हैं और इसमें मैं मूँगफली डालती हूँ, आपको पता ही है अच्छे लगते हैं। सो पूरी प्रॉपर रेसिपी तो नहीं रिकॉर्ड करी है, पहले भी काफ़ी बार शेयर किया है आपके साथ। और बताया क्या हुआ ना, ये इस बार का बैटर जो मार्केट से आया था वो बिल्कुल अच्छा नहीं था, तो बहुत मुश्किल हो गई बनाने में, बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। जब बैटर नहीं अच्छा होता है ना तो बिल्कुल मन नहीं लगता है बनाने में भी, मतलब डोसा बनाने का भी मन नहीं करता है। तो पता नहीं क्या हो रहा था, तवे से वो बार बार उठ रहा था, मतलब फैल ही नहीं रहा था, जिसकी वजह से मेरा मूड बहुत ख़राब हो गया था। तो खैर कोई बात नहीं, जैसे तैसे फिर वो बन ही गया था। और ये यहाँ पे मैं सांभर फ्राई कर रही हूँ, जिसके लिए मैंने यहाँ पे क्या बोलते हैं सरसों, करी पत्ता, हरी मिर्ची और ये प्याज का छौंक बनाया है। मैं इसको भून लूँगी, जब ये पक जाएगा तो फिर इसमें सांभर मसाला डाल दूँगी। और एज सच मैं इसमें कोई भी मसाले नहीं डालती हूँ। सो ये देखिए मैंने चटनी भी बना लिया है एंड इसको मैंने फ्राई कर दिया है, मतलब छौंक दिया है। और ये देखिए डोसा किस तरह से बन रहा है, जैसे तैसे बस बन गया। तो चलो हमारी ये डिनर की थाली है एंड अब इस व्लॉग को यहीं पे एंड कर देते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग के साथ, अब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। एंड व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, सेल का ध्यान रखना, लिंक सारी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। चलो मिलती हूँ कल, बाय।